एवरीवन, वेलकम टू ट्रेनिंग लाइफस्टाइल्स विद प्रिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी वीकली मील प्लानिंग। तो वीकली मील प्लानिंग मैं संडे के दिन करती हूँ, जब मैं सारी सब्जियाँ खरीद के लाती हूँ और सारी सब्जियों को अच्छे से क्लीन करके मैं फ्रेशली स्टोर कर देती हूँ, ताकि मुझे पूरे वीक में काफ़ी ईजी रहे सब खाना बनाने में। तो पहले मैं इन सारे आलू के जो छिलके हैं या गंदे आलू को छाट के मैं फ्रेश और अच्छे आलू को टोकरी में रख लेती हूँ। और इससे क्या होता है कि आपके सब्जियाँ फ्रेश रहती हैं अगर आप उसको साफ़ सुथरा से स्टोर करो तो। हालांकि कोई कीड़े लगे हुए आलू तो हम लाते नहीं हैं, पर फिर भी एक अच्छे से अगर साफ़ सुथरा करके हम उसे रखते हैं, नीट एंड क्लीन करके रखते हैं, तो अच्छा भी लगता है और कीड़े नहीं लगते हैं आगे भी। तो मैं हफ्ते भर की सब्ज़ियाँ ही लेकर आती हूँ, ज़्यादा सब्ज़ियाँ एक ही बारी में नहीं लाती हूँ। इसी तरह मैंने प्याज के भी छिलकों को, ऊपर ऊपर के जो छिलके हैं निकलने वाले जो है, उनको मैं पहले ही निकाल के और अच्छे से साफ़ कर कर एक टोकरी में स्टोर कर लूँगी, जिससे मेरे हफ्ते भर का प्याज चल जाए। और अगर बीच में ख़त्म होता है तो वापस से मैं ला के सेम प्रोसीजर फिर रिपीट करती हूँ। तो मैंने सारे प्याज के जो छिलके हैं या फिर कुछ ऐसे गंदे लगे हुए हैं, उसको मैं साफ़ करके टोकरी में रख दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो आलू और प्याज अब कितने अच्छे दिख रहे होंगे, फ्रेश दिख रहे होंगे, क्योंकि अगर कुछ है गंदा लगा हुआ होता है तो वो निकल जाता है। और इसी तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हो। अब इसी तरह मैं लहसुन को भी, लहसुन के छिलके जो होते हैं उनको निकाल के मैं इसको अलग से एक टोकरी में रख लूँगी, जिसमें मैं लहसुन और अदरक को स्टोर करती हूँ। तो लहसुन भी मैं ज़्यादा नहीं लाती हूँ, अभी मेरे पास 3 या 4 लहसुन होंगे। तो ऊपर के जो छिलके होते हैं उसको मैं हटा लेती हूँ, और अदरक के भी जो छिलके होते हैं या फिर कुछ ऐसा जो गंदा हो उसको हटा के मैं फिर अच्छे से फ्रेशली उसको रख कर स्टोर कर लेती हूँ। इस तरह मैं मिर्च को भी तोड़ के रख लेती हूँ, उसकी डंडियों को तोड़ के रख लेती हूँ, इससे फ्रेश रहते हैं मिर्च। अब मैं केला जो हम लोग रोज़ मॉर्निंग में लेते हैं उसको भी अच्छे से एक बास्केट में स्टोर कर लूँगी, और स्टोर करके उसे मैं साइड में रख लूँगी। तो ये सब कर लेने से आपका काफ़ी टाइम सेव होता है जब आप ऑफिस और घर। इसके बाद मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन को धो लिया है, और धोने के बाद मैं इसे अच्छे से पोंछ के एक अलग से कटोरे में रख कर फ्रिज में रख लूँगी। इससे आपके टमाटर जल्दी ख़राब नहीं होंगे और ये फ्रेश रहेंगे, और कभी भी आपको यूज़ करना हो तो आप नॉर्मल से वॉश करके आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि फ्रिज में रखने के बावजूद भी आप वेजिटेबल्स को वॉश करना ज़रूरी होता है, पर मैं पहले भी वॉश करके रखती हूँ ताकि हमारे जितने वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश रहें। तो ये सब काम करके आपका बहुत टाइम सेव होता है, अगर आप ये सब काम संडे वाले दिन कर लो तो। इससे क्या होता है कि अगर आप ऑफिस में वर्किंग हो, स्पेशली वर्किंग वुमेन्स के लिए जो ऑफिस में भी काम करती हैं और घर भी आके काम करती हैं, तो इसके लिए ये सब कुछ पहले से प्रिपेयर रहने से आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। और फिर आपको आके सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना होता है, अलग सी तैयारी नहीं करनी होती है। तो आप देख सकते हो मैं बैंगन को भी धो चुकी हूँ, धो के मैं इसे पोंछ रही हूँ, पोंछ के मैं इसको फ्रिज के जो वेजिटेबल कंटेनर होती है उसमें मैं उसे स्टोर कर रही हूँ। और इसी तरह शिमला मिर्च भी मैंने धो रखा है। तो मैं वेजिटेबल्स जो होता है वो वीक के अकॉर्डिंग ही लाती हूँ, ज़्यादा नहीं लाती हूँ, ताकि वो बच जाए और ख़राब ना हो जाए। इसके लिए मैं हमेशा अंदाजे से वीक भर के लिए ही लाती हूँ। ये करने के बाद मैं गाजर को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इसे वेजिटेबल कंटेनर में रख लूँगी। और ये दूध ही है, इसको भी मैं रख लूँगी। इन सबको धोने की, वॉश करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आप उसको छील रहे होते हो उसके बाद ही धो सकते हो। तो ये है अरबी। अरबी का एक स्पीशीज होता है, इसे मैंने अच्छे से झाड़ लिया। इसके अंदर की, इसके जो बाहर की मिट्टी थी उसको मैं हटा के इसके अच्छे से पॉलीथीन में रैप करके इसको स्टोर कर रही हूँ, ताकि ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहे और ख़राब ना हो। ऐसे करने से ही इससे में कीड़े या ये ख़राब नहीं होता। खीरे को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और साफ़ करके मैं वेजिटेबल स्टोर कंटेन बॉक्स में रख रही हूँ।
ये है कैबेज। तो कैबेज की जो ऊपर की छिलके होती है, कभी कभी उसमें कीड़े लगे होते हैं या कभी कभी वो गंदा होता है, तो मैं पहले उसे निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद मैं उसको अपने फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी सब्ज़ी में अगर कीड़ा लगता है तो वो दूसरी सब्जियों को भी साथ साथ में ख़राब कर देता है। इसके साथ इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि आप सारी सब्ज़ियों को अच्छे से फ्रेशली क्लीन करके आप अपने फ्रिज में स्टोर करें। और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लगता है अगर आप धो के क्लीन करके फ्रेशली स्टोर करते हो, तो जब भी आपको बनाना हो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है और आपकी सारी सब्ज़ियाँ फ्रेश भी रहती है और खाने में भी हेल्दी हो रहती है। तो इस तरह से मैंने अपने फ्रिज का कंटेनर ये कर लिया है। और ये ड्रम स्टिक है, बहुत लोग इसे सहजन भी कहते हैं। तो मैं ड्रम स्टिक 3 स्टिक्स ही लाती हूँ अपने वीक के अकॉर्डिंग, ताकि ये सूख ना जाए अगर ज़्यादा लाऊँ तो। मैं इसे क्या करती हूँ, इसे छिल के इसे पीसेस में कट कर लेती हूँ, ताकि कभी भी मुझे बनाना हो और मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं हो तो मैं इसको फ्रिज से निकालूँ और डायरेक्टली बना लूँ। मैं मोस्टली प्याज आलू ये सब तो काट के नहीं रखती हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स भी काट के नहीं रखती हूँ, और आप लोगों को रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि फ्रेश नहीं रहता कोई भी सब्ज़ी। पर ये मैं काट के रख रही हूँ क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको मैं धो के साफ़ कर धो के सब्ज़ी बनाती हूँ इसकी। तो मैंने इसे अच्छे से काट लिया, इसे छिल लिया है। बाकी आप प्याज वगैरह को कभी भी काट के फ्रिज में स्टोर करके मत रखो, 1 दिन ठीक है, बट ज़्यादा दिन के लिए मोस्टली मैं प्रेफर करूँगी ना ही रखो, बिकॉज़ क्या होता है कि पॉइजन का वो पॉइजन की तरह वो एक्ट करता है। अगर आप कोई भी चीज़ फ्रेश खा रहे हो तो वो हेल्दी होती है, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां होती है गैस्ट्रिक की या बाकी सारी चीज़ें, तो हम हेल्दी खाना नहीं खाते इसलिए होती है। पहले ज़माने में हमारी दादी नानी जो है वो अच्छे अच्छे खाना खाए हुए हैं, तो वो कितने हेल्दी रहते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको एक प्लास्टिक में स्टोर कर लिया है, इससे वो फ्रेश रहता है पूरे हफ्ते भर के लिए, आप उसको फ्राइडे तक बना सकते हो। अब ये धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता के जड़ को मैंने काट लिया। धनिया पत्ता बहुत जल्दी सूखता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले इसको क्लीन करके अच्छे से रख लो। इससे 2 चीज़ें होती है, एक तो आपकी धनिया पत्ता जल्दी सूखती नहीं है और ये ख़राब नहीं होती है, और सेकंड आपको कभी भी हड़बड़ी हो तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे इसको काटने के लिए। अगर आपको आपने पहले ही से साफ़ कर रखा है तो आपको जस्ट फ्रिज से निकालना है और थोड़ा सा वॉश करना है और कट करके अपनी सब्ज़ी में या फिर किसी चीज़ में डाल देना है, तो इससे आपका बहुत टाइम सेव होता है। ये स्पेशली ये सारे टेक्निक्स वर्किंग वीमेंस या लड़के भी जो काम करते हो घर पे खाना बनाते हैं, वो लोग ये सारे देखकर अपना सकते हैं। बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ 1 घंटे देने होते हैं संडे के दिन या सैटरडे के दिन अपनी वीकली मील प्लान करने के लिए, और आप देखना कि आपका पूरा हफ्ता इतना इजीली बीतेगा, आपको ज़्यादा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खाना बनाने में। तो ये मैंने यहाँ पे कटोरे में रख लिया, फिर मैं इसको प्लास्टिक में रखूँगी। अब मैंने मेथी लिया है, मेथी के मैंने बंडल को कट करके, अब मैं मेथी को अच्छे से इसकी एक एक पत्ते को तोड़ के पॉलिथिन में रख लूँगी। मेथी को आप एक बार साफ़ करके बॉईल करके भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, जब आपको बनाना हो आप बना सकते हो। तो मैं अभी बॉईल नहीं करूँगी, इसलिए मैं इसको तोड़ के एक पॉलिथिन में प्लास्टिक बैग में रख लूँगी। तो आप इसे हाथ से भी प्लक कर सकते हो, पर ये बहुत टाइम लगता है हाथ से प्लकिंग करने में, एक एक पत्तों को निकालना पड़ता है। तो मैं हाथ से अभी करके दिखा रही हूँ, और इसके बाद मैं सीजर भी यूज़ करूँगी। आप सीजर भी यूज़ कर सकते हो, दोनों तरीके, अगर आपको ज़्यादा हड़बड़ी है तो आप सीजर भी यूज़ कर सकते हो मेथी के पत्तों को काटने के लिए। तो मेथी के पत्ते एक एक पत्ते का पत्ते तोड़ के रखते हैं, और या आप इससे मेथी के पराठे बना सकते हो। हालांकि मैं जब भी रोटी बनाती हूँ मैं थोड़ी सी मेथी डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। मैं बात कर रही थी कि हम आजकल उतनी हेल्दी खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि इतना फास्ट हो गया है लाइफ कि आपके पास टाइम ही नहीं होता, बट अपने खाने पीने के लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। और आप देख सकते हो मैंने सीज़र यूज़ किया है, और मेरा मेथी कटिंग भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। मैंने सारे मेथी काट ली है, और डंडे में ये सारे जितने भी वेस्ट है मैं फिर इसे बाहर रख दूंगी, ताकि गाय वगैरह हो तो वो खा सकती हैं, तो मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। और बाकी की जो सब्जियों की बच जाते हैं वो मैं अपने गमले में डाल देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा कह सकते हो आप कि
फर्टिलाइज़र का काम करता है, आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है और इसमें बहुत अच्छे से पौधे लग जाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स का वेस्ट है या ऐसा कुछ है, अंडे के छिलकों को भी आप फर्टिलाइज़र बना सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है, लेकिन काफ़ी टाइम लेता है, 1 महीने के अराउंड टाइम लेगा, लेकिन ना फर्टिलाइज़र बनता है बहुत ही अच्छा। तो मैंने मेथी को अच्छे से काट लिया है और इसे साफ़ करके अब मैं इसे एक पॉलीथिन में स्टोर कर दूंगी, ताकि कभी भी मुझे इसको बनाना हुआ, मेथी के पराठे बनाने हुए या आलू मेथी की सब्ज़ी बनानी हुई, तो मैं फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली इसको धो के बना सकती हूँ। और ऐसे करने से ना आपकी मेथी जो है या कोई भी वेजिटेबल्स अगर आप अच्छे से उसको स्टोर कर रहे हो तो वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता। और ये सब मैं वीक के लिए प्लान कर रही हूँ, तो वीक में आपका ये वेजिटेबल्स बिल्कुल ख़राब नहीं होगा अगर आप अच्छे से इसको क्लीनली स्टोर करके रखो। तो आप देख सकते हो मेरी मेथी के पत्ते, मैंने फाइनली इसको कट करके एक पॉलीथीन में इस तरह से बांध कर उसे अपने फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। मैंने इसको अच्छे से गांठ लगा के बांध दिया है, इससे क्या होता है कि ये ख़राब नहीं होगा, फ्रेश रहेगा। इसके बाद मैं अब मैंने कड़ी पत्ता, मिर्च तो तोड़ लिए थे और कड़ी पत्ता भी मैंने साफ़ कर दिया, और मैं नींबू जो हफ्ते भर लगता है उसको मैंने साइड कर लिया, और अब मैं मटर को भी पहले से ही छिल के रख लेती हूँ, ताकि मेरा बहुत टाइम सेव हो, कभी भी मटर की सब्ज़ी बनानी हो या किसी भी सब्ज़ी में, पोहा में, उपमा में मटर डालना हो तो आप फ्रिज से निकालो और डायरेक्टली मटर के दानों को आप डाल सकते हो। तो मटर छिल के रखने से बहुत टाइम सेव होता है, काफ़ी टाइम सेव हो जाती है आपकी। तो ये सारे हैबिट्स जो है वो आप इसलिए मैंने धनिया पत्ता को फोल्ड करके रखा है अच्छे से, इससे आपका धनिया पत्ता भी सूखता नहीं है जल्दी। अगर आप धनिया पत्ता के जड़ों को काट दो और उसको अच्छे से साफ करके एक प्लास्टिक में रैप करके रखो, तो आप देखना 2 से 1.5 से 2 वीक तक ये ऑलमोस्ट फ्रेश रहता है, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें ये इसके ना तो पत्ते गीले होते हैं ना ही ये सूखते हैं। तो मटर भी मैं इसी तरह छील रही हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए, और ये सब करने से सीरियसली मुझे तो बहुत बेनिफिट लगता है। आप लोग भी अगर वर्किंग हो और चाहते हो कि थोड़ा इजी हो तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने मटर को छील लिया है और एक कंटेनर में रख लिया है, और टमाटर मैंने कितना फ्रेश लग रहा है, टमाटर को धो के इसको पोंछ के रख लिया है। इसमें मेरी मेथी है, इसमें आलू और प्याज है साफ़ किया हुआ, और ये धनिया पत्ता है, इसको मैंने इस तरह से प्लास्टिक में रैप किया है। इसमें लहसुन और अदरक है, और इसमें हरी मिर्च, नींबू और कड़ी पत्ता है। हरी मिर्च के डंडों को मैंने तोड़ लिया है ताकि ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहें और सूखे ना। और ये ड्रम स्टिक है जिसको मैंने प्लास्टिक में रैप कर लिया है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे वेजिटेबल्स को साफ़ सुथरा करके, और ये बनाना है तो मैंने सारे वेजिटेबल्स को साफ़ सुथरा करके रख लिया ताकि मेरा टाइम सेव हो, जब भी मैं खाना बनाऊँ तो। और ये वेजिटेबल स्टोरेज बॉक्स में आप देख सकते हो शिमला मिर्च, गाजर, कैबेज, ब्रिंजल, ये सारा कुछ मैंने धो के साफ करके रखा है। अब इसके बाद मैं ग्रेन्स जो होते हैं, काली चना, ये जैसे हम कभी इसकी सब्जी बनानी हो तो उस वक्त आप इसमें से जो कीड़े ये होते हैं, पत्थर होते हैं या कंकड़ होते हैं, वो निकालने जाओ, इससे टाइम से नहीं हो पाता, इसलिए मैं पहले ही इसको क्या करती हूँ कि इसमें से सारे कंकड़ वगैरह या पत्थर कुछ भी हो तो जो गंदे है उसको निकाल के छाट के एक अलग से टिफिन बॉक्स में रख लेती हूँ जो मुझे वीक में यूज़ करना है। और हम हमेशा सुबह में मूंग चना खाते हैं, तो इसमें सब कुछ है, सोया मूंग और मूंग दाल है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसमें अगर कोई कंकड़ है तो उसको निकाल लूँगी और इसे साफ़ करके जितना मुझे हफ्ते भर में वीक में यूज़ करना है उस हिसाब से मैं इसके एक स्टोरेज बॉक्स में उसको स्टोर करके रख लूँगी, ताकि मुझे उस टाइम पे ये सब काम ना करना पड़े, मैं डायरेक्टली से यूज़ कर लूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।